नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पाकिस्तानियों ने तो मज़े की इंतहा पार कर दी। पाकिस्तानियों ने आज इतना इंटरटेनमेंट किया जितना कि कोई भी नहीं कर सका। आज पाकिस्तानियों ने एक टॉप ट्रेंड चलाया। ट्रेंड था हैशटैग बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स। पाकिस्तानियों का ऐसा मानना है और पाक के युवाओं का ऐसा मानना है कि वो इंडियन प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर देंगे तो इंडिया दिवालिया हो जाएगा या गरीब हो जाएगा या अगली बार चंदा मामा में जा नहीं पाएगा। तो ऐसा उनका सोचना था। अब भाई, हमने भी सोचा चलो इनको लिस्ट हम खुद ही दे देते हैं कि किन किन प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये चाय, कॉफ़ी, लैन, USB, सबसे बड़ी बात पानी का बायकॉट करिए, क्योंकि इंडस रिवर से जो पानी आता है वो हिंदुस्तान से आता है। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को इंडस वैली के और इंडस जो है रिवर का बायकॉट करना चाहिए। पानी का, पानी पीना बंद कर दो, पानी यूज़ करना बंद कर दो, तो हम हो सकता है कि प्यासे रह जाएं। भाई, पानी तो हमारे यहाँ से आ रहा है। दूसरी चीज़, इन लोगों ने खुशियां भी मनाई। खुशियां मनाई कि बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाइयों, देखो हमारा ट्रेंड इंडिया में टॉप पे चल रहा है, बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स, वाह बधाई हो, लगे रहो। वाह भाई वाह, ये रही लिस्ट, इतनी चीज़ों का आप बॉयकॉट कर दो और इतनी और पानी का खास करके, क्योंकि पानी जो है पाकिस्तान में आता है वो हिंदुस्तान से ही आता है, खास करके सिंधु नदी का, इंडस वैली, इंडस रिवर, इन सब का बायकॉट करो। दूसरी चीज़, आप सबसे बड़ी बात तो है जीने का ही बायकॉट कर दो, क्योंकि पाकिस्तान जीता ही जो है हिंदुस्तान के सामानों पर है। यहाँ तक कि पाकिस्तानियों को अगर बीमारी होती है तो वो बीमारी का इलाज करवाने, ऑपरेशन करवाने बड़े बड़े हिंदुस्तान आते हैं। तो सबसे बड़ी बात, आप उसका बायकॉट करने के साथ साथ इन मोहतरमा का भी बायकॉट कर दो। ये मोहतरमा भी जो है हिंदुस्तानी हैं, इंडिया के लिए जो है ये टेनिस खेलती हैं, इनका बायकॉट करो। सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक का बायकॉट कर दो, क्योंकि उसने एक हिंदुस्तानी से शादी करी है। बहुत सारे पाकिस्तानियों के बिजनेस चलते हैं हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के जो है ट्रेडर्स से, उनका बायकॉट करो। अब बात आती है कि अगर पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं तो इसमें इंडिया का घाटा क्या है। भाई साहब, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, वो गाना तो आपने सुना होगा और उन तीन लड़कियों को भी देखा होगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो ये बात जो है लागू होती है इंडियंस पे और पाकिस्तानियों को भी जाननी चाहिए। यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान के राहुल गांधी के नाम से मशहूर है, उसने भी इमरान खान को चेताते हुए बोल दिया है कि अरे भाई साहब, इमरान खान, आप कश्मीर को रोकते रह जाओगे, कश्मीर करते रह जाओगे, लेकिन आप POK गवाह बैठोगे। तो बिलावल भुट्टो ने ये चेता दिया है कि कश्मीर के चक्कर में कहीं POK ना चला जाए, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हिंदुस्तानी कहते हैं और पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर कहते हैं। हो सकता है वो इंडिया ना कब्जा कर ले कश्मीर के चक्कर में, वो ना छूट जाए। तो इसीलिए बिलावल भुट्टो जो है आज जो है थोड़े से बड़े हो गए हैं। अभी तक वो बच्चे थे और राहुल गांधी के समान उन्हें आंका जाता था, लेकिन अब उन्हें राहुल गांधी से एक पायदान ऊपर आंका जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक जो है तुक वाली बात, साइंस वाली बात कर दी है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी का भी एक पायदान बढ़ गया है। अभी हाल ही में जो है पाकिस्तान ने एक चिट्ठी लिखी थी UN को और उसमें राहुल गांधी का बयान दिया था कि राहुल गांधी भी जो है बयान दे रहा है कि कश्मीर के साथ गलत हुआ है और मोदी ने गलत किया है और कश्मीर बहुत ही ज़्यादा जो है गंदी परिस्थिति में चल रहा है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने क्या ट्वीट कर दिया, आप खुद देख लो। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, इंटीरियर मामला है, उसमें पाकिस्तान या कोई भी तीसरी ताकत वो अगर ऐसा करती है और भड़काऊ करती है तो वो गलत है, वो चौकन्ने हो जाएं। ऐसा राहुल गांधी ने भी बोल दिया और पाकिस्तान के मुंह पे कारा तमाचा मार दिया। तो यहाँ पर राहुल गांधी भी अब एक पायदान ऊपर उठ गया है, उसने भी थोड़ी सी अपनी नेशनलिज्म दिखाते हुए पाकिस्तान को कारा तमाचा मार दिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये कांग्रेस और राहुल गांधी का जो है डैमेज कंट्रोल है। जी हाँ, डैमेज कंट्रोल,
चूंकि जब कश्मीर से धारा 370 और 35 ए हटी थी तो राहुल गांधी ने बयान भी दिए थे और धारा 370 हटाने का विरोध भी किया था और कांग्रेसी नेताओं ने भी विरोधाभासी बयान दिए थे, जिससे कांग्रेस जो है वो गद्दार पार्टी और पाकिस्तानी समर्थक पार्टी करार दे दी गई थी और खुद जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिए हैं और कांग्रेस सपोर्टर हैं वो भी कांग्रेस को गद्दार कहने लगे थे और कांग्रेस के समर्थक उनसे जो है छिन्न भिन्न होने लगे थे। तो इसे जो है डैमेज कंट्रोल के रूप में राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। ये कश्मीर हिंदुस्तान का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान या कोई भी तीसरी ताकत उसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश और मजाकत ना करे। तो ये कांग्रेस और राहुल गांधी ने डैमेज कंट्रोल के हिसाब से बयान दिया है, ट्वीट किया है, जिसके कि हम निंदा तो नहीं करेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है, जैसे ही पड़ा हो भाई पड़ा तो है। और आपको ये सब जानकारी कैसी लगी हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पाकिस्तान ने जो ट्रेंड चलाया है बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स, उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपको कितना पड़ता है नहीं पड़ता वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट पे अपनी राय देते हुए जाइएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल नितिन अपलोडर को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।